तो आज हमारे साथ मौजूद हैं झुन्नू की टेक अरमान जिन्हें, तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, मेरा स्वागत कर रहे हो या फिर अपनी ऑडियंस का? स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपने 1 मिलियन का जो टारगेट था कंप्लीट कर चुके। थैंक यू सो मच अलीम भाई, उसको अचीव कर चुके। थैंक यू 1 मिलियन की फैमिली बन चुकी भाई आपकी, और बस आपका प्यार है। और आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है इस वीडियो में, और वो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, आपको एक बहुत अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है, तो भाई वेट करो। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे। ओके, आपने अपने चैनल की शुरुआत, जब आपने अपना चैनल क्रिएट किया था, और मतलब उस वक्त आप एज ए करियर इसको लेकर के चल रहे थे, या फिर मतलब एज ए अर्निंग प्रूफ, मतलब आपने किसी को देख करके आप के भाई इतना कमा रहे तो मैं भी इसको चैनल क्रिएट कर लेता हूं। देखो, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि यार यूट्यूब से पैसा वैसा मिलता है। हाँ, मैंने एक बंदे का वीडियो देखा, और उसको देखने के बाद देखा यार इतने मस्त मस्त कमेंट्स आ रहे हैं वीडियो के नीचे, और ये तो मैं भी सकता हूं। और उसके बाद मैंने भी करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद मेरे को पता चला कि यार पैसा भी मिलता है। लेकिन फिर मेरे को पता चला कि यार 10,000 व्यूज कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद पैसा मिलेगा। मतलब पहले 10,000 व्यूज कंप्लीट करने पड़ते थे, और मैंने पहले अपने चैनल का नाम टेक्निकल जुनेद रखा, टेक्निकल जुनेद से जुन्नू की टैग किया, और उसके बाद ग्रो हुआ। तो मेरा आपसे सेकंड सवाल है, मतलब जब लोग चैनल क्रिएट करते हैं तो मतलब उनको क्या सोच करके यूट्यूब पर आना चाहिए? देखो, सिंपल सा आंसर है, एक तो होता है कि आप यूट्यूब पर आके फेम कमा सकते हो, अपना फेस वैल्यू बना सकते हो, और यूट्यूब पर बहुत सारे तरीके हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करो, स्कैम करो, भाई लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, लेकिन फायदा कुछ नहीं होने वाला है, गाली खाओगे। और अगर आपको जेन्युइन तरीके से काम करना है तो आप जेन्युइन कंटेंट दो, आप अपनी ऑडियंस को ऐसा कंटेंट दो जो सामने वाला देखकर आपको अच्छा कमेंट करे। और अगर आप फेम के लिए काम करते हो, आप अपना फेस वैल्यू बनाना चाहते हो, आप कहीं पर भी जाओ आपके फैंस मिल रहे हैं, तो वो आपका फेस वैल्यू बनता है। और जब आपका फेस वैल्यू बनता है तो कोई भी ब्रांड आपके पास आएगा तो वो यही देखता है कि आपका फेस वैल्यू बना हुआ है या नहीं। और कोई भी ब्रांड आपको लाखों रुपए तभी देता है जब आपका फेस वैल्यू बन जाता है। और अगर आप YouTube पर स्कैम करते हो, लोगों के साथ फ्रॉड करते हो, गलत सलत तरीके से पैसा कमाते हो तो कमा सकते हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए। और अगर आपको लॉन्ग टर्म तक पैसा कमाना है तो भाई आपको कॉन्टेंट सही प्रोवाइड करना होगा, और आपको पैसे के पीछे स्टार्टिंग में नहीं भागना है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको फेस वैल्यू किस तरीके से बनाना है वो देखो। और मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल है, क्या हम जॉब के साथ साथ अपना चैनल मैनेज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, काफी सारे यूट्यूबर्स हैं, दिन में जॉब करते हैं और रात को आकर अपनी वीडियोस बनाते हैं। उसके लिए आपको मैं एक टिप देता हूँ। सपोज आप मॉर्निंग में जॉब के लिए जाते हो 10 से 7 तक, तो आपके पास जो मॉर्निंग में आप 4 बजे उठोगे या फिर 5 बजे या 6 बजे, जिस टाइम भी आप उठ रहे हो, तो आपके पास मॉर्निंग का टाइम हुआ, आप उस टाइम वीडियो शूट कर सकते हो। बहुत अच्छा वीडियो शूट होता है मॉर्निंग में। और आप जब जॉब से आ जाते हो, उसके बाद आप कंटेंट लिखो, कंटेंट रात में लिखो, और आप जाने से पहले शूट कर लो, और आने के बाद एडिट कर लो, या फिर आपको कभी भी टाइम मिले आप आते जाते कहीं पर भी एडिट कर सकते हो अपने मोबाइल से, और आप मैनेज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बस आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको करना बंद करो। लेकिन कुछ लोगों ने, जैसा उनके चैनल ग्रो हो गए, जॉब के साथ साथ उन्होंने अपने चैनल शुरुआत की थी, लेकिन YouTube से अच्छी खासी अर्निंग आनी शुरू हो गई, तो उन्होंने मतलब जॉब ही छोड़ दी। हाँ बिल्कुल, जब आपको लगता है कि हाँ मेरा करियर बन चुका है, अब आपके पास ऑडियंस एक्टिव हो चुकी है, और आप उस ऑडियंस को संभाल भी सकते हो, कॉन्टेंट अच्छा दे सकते हो, तो आप छोड़ दो जॉब, बिकॉज आप जितना एक साल में जॉब से कमाओगे उतना आप 1-2 महीने भी कर सकते हो। Yes. क्या यूट्यूब चैनल अनएजुकेटेड लोग बना सकते हैं, और किस तरह की उनको परेशानी आ सकती है? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। देखो, चैनल तो बना लेते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम आती है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ये सब चीजें नहीं समझ पाते। और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि भाई आपको इंग्लिश तो आना ही चाहिए। जब आपको इंग्लिश आ जाता है तो आप टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन सब कुछ पूरा खेल समझ जाओगे। और अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आता है, चैनल का सी भी नहीं पता, तो भी आप YouTube से ही सीख सकते हो, और आपको सब वीडियोस मिल जाएंगे YouTube पर सीखने के लिए। लेकिन उनके साथ तो ये प्रॉब्लम आती है, जब किसी स्पॉन्सरशिप्स की मेल आती है वो शायद नहीं उसको पढ़ पाते। हाँ, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। गूगल ट्रांसलेट है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, ट्रांसलेट कर करके सीखो, सीखना पड़ता है तभी तो आपको आएगा। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं मतलब जो बिल्कुल अनएजुकेटेड हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे स्पॉन्सरशिप से भी है, बिल्कुल कमाते हैं। बस यही है कि आपको थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। लेकिन कुछ पर्सन क्या करते हैं कि उनका चैनल तो ग्रो नहीं होता है, ग्रो नहीं हुआ, और अपना जो स्टडी कर रहे हैं स्टडी को छोड़ देते हैं, यूट्यूब पर फोकस करने लग जाते हैं। अब आप ये बताओ, गारंटी है कोई आप अपने चैनल को ग्रो कर लोगे? तो इसीलिए स्टार्टिंग में पार्ट टाइम में रखो, पहले आपका जो काम है उस पर फोकस करो। अब हम आपको वो सरप्राइज बताते हैं जिसके लिए आप यहाँ तक के रुके हो।
आप लोगों के लिए सरप्राइज है, आलिम भाई के चैनल पर गिव अवे आने वाला है। देखो भाई, जो फर्स्ट पर आएगा उसको आप दोगे क्रोमा की का पूरा सेटअप। yes, yes, कुछ yes. लोगों के पास बैकग्राउंड नहीं होता है अच्छा, तो क्रोमा की का यूज करके वो अच्छा खासा बैकग्राउंड लगा सकते हैं अपनी वीडियोज में। और सेकंड विनर को आप देने वाले हो ट्राइपॉड। yes. ओके, ट्राइपॉड अच्छा क्वालिटी का देना। और जो थर्ड विनर होगा उसको मिलने वाला है माइक। अब आप पूरा प्रोसेस बताइए किस तरीके से आप ये करने वाले हो। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही हमारा ये इंटरव्यू आएगा, इस वीडियो के बाद 2 या 3 वीडियो में आपको मैं कंप्लीट अनाउंसमेंट कर दूंगा कि भाई क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है और किस किस को ये हमारा गिव अवे मिलने वाला है। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, जो इंस्टाग्राम होता है इंस्टाग्राम पर आप पोस्ट कर देना और एक सेपरेट वीडियो बना देना, रिव्यू कर देना जो भी आप गिव अवे करने वाले हो, और अपनी ऑडियंस को बता देना कि चैनल को सब्सक्राइब करो। और इंस्टाग्राम पर बस आपको पोस्ट के नीचे कमेंट करना है फॉलो करके, और जब लोग आपको फॉलो करके कमेंट करेंगे तो कोई भी रैंडम कमेंट पिकर से एक बंदा पिक कर ले जाएगा। और इस तरीके से 3 विनर आप अनाउंस कर देना और दोस्तों को भी अच्छा लगेगा। हाँ, तो इस तरह से हम वहाँ से अपना गिव अवे का जो भी बंदे हैं 3 हम वहाँ से उनको लेने वाले हैं। और आलिम भाई के चैनल पर फर्स्ट गिव अवे होने वाला है, जरूर पार्टिसिपेट करें। यस यस यस, ये बहुत एक्साइटेड है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी बहुत एक्साइटेड है। तो भाई इस इंटरव्यू के बाद सारी वीडियोज को वॉच कर लेना, कोई सी ना कोई सी वीडियो में मैं आपको अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो अभी अपना हम इंटरव्यू कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है, मतलब आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप ये टारगेट पहले से ही लेकर के चले थे या मतलब ये हो गया मतलब कि भाई चलो चल रहा है? मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे चैनल पर लगभग 90,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे तो व्यूज 1,000-2,000 आते थे, तो मैंने सोचा कि बस 100K कर लूंगा और सिल्वर प्ले बटन ले लूंगा और उसके बाद चैनल छोड़ दूंगा। अच्छा, लेकिन उसके बाद सीन कुछ ऐसा हुआ, मैंने कंटेंट को इम्प्रूव कर लिया और कंटेंट को इम्प्रूव किया तो ऑडियंस एक्टिव हो गई। मैं हार मान गया था एक तरीके से। ओके, लेकिन मैंने अपने कंटेंट को इम्प्रूव किया तो ऑडियंस एक्टिव हो गई और उसके बाद 1 मिलियन कुछ ही टाइम बाद हो गया। और मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है, अभी आप आने वाले 2 से 3 साल में अपने चैनल को कहाँ देखना चाह रहे हो? 10 मिलियन। अरे, और अगर अगर आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहा भाई तो बहुत जल्दी 10 मिलियन भी होने वाले हैं भाई। और नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। स्टार्टिंग में तो आपने मजे मजे में मतलब चैनल क्रिएट किया था, उसके बाद धीरे धीरे जैसा आपने दूसरों को देख करके सीखा और आपने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, तो आप अपने चैनल पर सीरियस कब हुए थे? सीरियस एक तो मैं स्टार्टिंग में हुआ था, जब चैनल को मैंने 3 बार छोड़ दिया उसके बाद 2019 में मैं सीरियस हो गया। उसके बाद थोड़े बहुत व्यूज मिलते रहे, मेरा खर्चा निकलता रहा, और उसके बाद टिकटॉक से रिलेटेड मेरा कंटेंट हो गया था। देन जब टिकटॉक बैन हो गया तो बैन होने के बाद मैंने सोचा भाई अब तो वाट लग गई चैनल की, अब तो कुछ नहीं होने वाला, तो जब मैं सीरियस हुआ था अपने चैनल को लेकर और अच्छा, ये मुकाम हासिल किया। तो आपका टेक्निकल जुनेद इससे पहले जुन्नू की टैग से टेक्निकल जुनेद था, तो मतलब जुन्नू की टैग रखने का मतलब किसने आइडिया दिया? मेरे कुछ बिहार के दोस्त थे और वो अच्छा, मेरे को जुन्नू करते थे और उन्होंने मेरे को आइडिया दिया था कि जुन्नू की टैग रख लेना अपने चैनल का नेम, टेक्निकल जुनेद से हटा के, टेक्निकल तो बहुत हो रहे हैं, तो मैंने चेंज कर लिया उसी टाइम। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग नाम है भाई, जुन्नू की टैग। थैंक यू। मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे, बहुत लोग मतलब हजारों लाखों लोग चैनल क्रिएट करते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं, उनके साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम होती है कि जो मतलब आते हैं फिर चले जाते हैं? हाँ, वो यही प्रॉब्लम होती है, फैमिली प्रॉब्लम। और चलो फैमिली को तो मना लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको व्यूज नहीं मिलते, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। और वो जब देखते हैं कि यार व्यूज नहीं मिल रहे, चलो अब छोड़ देते हैं, इसी तरीके से छोड़ते हैं सब लोग, लेकिन ग्रो वही करता है जो नहीं छोड़ता है। आपने क्यों छोड़ा था? इसी वजह से छोड़ा था, व्यूज ही नहीं मिल रहे थे। तो गाइज मैं आपको यही कहना चाहूंगा भाई, भाई ने भी 3 बार चैनल छोड़ा लेकिन ये कंसिस्टेंसी से फिर भी लगे रहे, आप भी मत जाओ भाई छोड़ के, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई हम अपना चैनल छोड़ रहे हैं, तो मतलब मैंने उससे कारण पूछा था तो भाई यही कारण था। हाँ, कि भाई व्यूज नहीं आ रहे, यही होता है, किसी को कंटेंट नहीं मिल रहा। आप ना एक काम करो, ये मत सोचा करो कि व्यूज नहीं आ रहे, अपना बस कंटेंट को इम्प्रूव कर लो, व्यूज खुद आ जाएंगे। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जो लोग आपको कंटिन्यू मतलब जब आप टिकटॉक पर वर्क कर रहे थे और जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर थे और आज भी मतलब मैंने देखे हैं आपकी कमेंट्स में 1 मिलियन तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी और अच्छे से अच्छे कमेंट भी करते हैं, आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? वही लोग होते हैं जो डाई हार्टेड फैन होते हैं, जो एक बार वीडियो को देख लिए और उनको पसंद आ गया, तो मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाओ, लोग फिर आपकी शक्ल देखने आते हैं, आपका कंटेंट देखने नहीं आते। आप कैसा भी वीडियो डालो, लोग आपको देखने के लिए आएंगे।
तो इसीलिए आज लोग मेरे को देखते हैं। और भाई सभी को थैंक यू सो मच जो टिकटॉक के ज़माने से देखते आ रहे हैं और अभी भी देख रहे हैं, भले उनका कोई फ़ायदा ना हो लेकिन देखते हैं फिर भी, क्योंकि प्यार है बस। अच्छा, बहुत लोगों का ये सवाल है कि भाई हमारा ऑडियंस रिटेंशन बहुत कम जाता है। ऑडियंस रिटेंशन आपका कम इसलिए जाता है, कभी कभी क्या होता है कि हम वीडियो की स्टार्टिंग में चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, लाइक करो वीडियो को, सब कुछ बता देते हैं, आप डायरेक्ट पॉइंट की बात पर आया करो। इसीलिए मैं बोलता हूँ स्क्रिप्ट लिखा करो अपनी वीडियो की। जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो तो आपको सब कुछ पता रहता है मैं कहाँ पे किस तरीके से बोलने वाला हूँ। स्क्रिप्टिंग करोगे तो आपका ऑडियंस रिटेंशन भी अच्छा आएगा। जाते जाते एक लास्ट सवाल मैं और कर लेता हूँ भाई से, वो ये है मेरा, इनके जो फैंस हैं उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था कि भाई हमारी तरफ से आप ये सवाल जुनैद भाई से पूछ लेना कि आप 1 मिलियन से अब 5 मिलियन तक कब जा रहे हो। बस कुछ ही टाइम के बाद, अगर इसी तरीके से प्यार मिलता रहा। देखो वो क्या होता है कि कभी कभी हम भी हार मान जाते हैं, कभी कभी तो बहुत सारा कंटेंट पोस्ट कर देते हैं और कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन सपोर्ट तो हमेशा लोगों का मिलता है। और बस इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहो तो 1 मिलियन से 5 मिलियन बहुत जल्द चले जाएंगे। और आप लोगों के लिए क्या सरप्राइज है वो तो आपको पता चल ही गया, तो आप वाओ टेक चैनल को सब्सक्राइब मारो, आने वाले टाइम में जेन्युइन कंटेंट देने वाले हैं। बोर मत करना वरना ऑडियंस रिटेंशन आपका भी खराब आएगा। ओके चलो, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा इंटरव्यू सेशन अच्छा लगा होगा। भाई अगर जो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।